भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो जा नहीं पाएंगे। कुछ लोग तो कार से नहीं कर पाते, बाहर जो चल रही भैया साइकिल से करना है, इतनी सुविधा होने के बाद भी नहीं कर पाते कुछ लोग, तो बाहर जो चल रहे भैया साइकिल से करना है, तो भैया के ऊपर माता की कृपा हमेशा बनी रहे। जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों मैं कर रहा हूँ मुंबई से 12 ज्योतिर्लिंग की साइकिल यात्रा, और अभी मैं ग्वालियर साइड जा रहा हूँ, और ग्वालियर साइड जाने के बाद मुझे 3 दिन हो चुका है। अब भी यहाँ से जो ग्वालियर की दूरी है तकरीबन समझ लो 250 किलोमीटर और रह गया है, तो अभी हमें 2 दिन और लग जाएगा शायद, लगता है। हमने तो चैलेंज लिया था 48 घंटे में, लेकिन 48 घंटे में पहुँच नहीं पाएंगे। और अभी जैसा कि कल मैं रुका था बीनागंज से तकरीबन 15 किलोमीटर पहले, तो वहाँ से अभी मैं निकल चुका हूँ आगे, बीनागंज मार्केट में आ गया, पीछे देख रहे होंगे। तो अभी यहाँ पे आया हूँ, तो आज की जर्नी स्टार्ट करके देखते हैं आज की जर्नी में क्या देखने को मिलता है, और चलते हैं पीछे। नाश्ता वगैरह का दुकान भी मिला है, तो भूख भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। हम सुबह 4 बजे चलना शुरू किए थे फ्रेंड्स, और अभी बज गए हैं सुबह के 8। तो चलिए आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। आज की जर्नी स्टार्ट करने से पहले एक बार ज़ोर से बोलते हैं प्रभु श्री अवर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव। ये मेन हाईवे देख सकते हो, और अभी हम पहुंच चुके हैं बीनागंज के लिए। ये जो गांव का रास्ता देख रहे हो ये सामने, ये पूरा बीनागंज के साइड जाता है, मार्केट है पूरा। अभी हमें यहाँ से आगे सीधा चलना है, हम थोड़ा रुके हैं सामने, नाश्ता वगैरह करते फिर आगे बढ़ते हैं। लो सो डालो है ना सो। दोस्तों आप देख सकते हैं सामने हमारी साइकिल खड़ी है, ये शॉप है नाश्ते की, और अभी हम खाने के लिए बैठे हैं। पोहा पोहा खाते, चाय वगैरह पियेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पोहा खाने के बाद अभी हम ये चिवड़ा लिए हैं और हमारी मॉर्निंग टी, क्योंकि भूख बहुत लगी है, तो ये अभी खाते फिर आगे बढ़ते। तो दोस्तों अभी चलते चलते कंटिन्यू है, देखिए सुबह के 10 बज चुके हैं, और ये कुछ ऐसा नज़ारा है दूर दूर तक देख सकते हो। धूप भी काफ़ी कड़क हो गया है सर के ऊपर, और ये कुछ ऐसा नज़ारा है। चलिए अभी आज हमें गुना पार करना है कैसे भी। दोस्तों इस हाईवे पे ना मैं कंटिन्यू चलते जा रहा हूँ, और इधर पे धूप इतनी कड़क है और छांव मतलब कहीं है ही नहीं, समझ लो पेड़ हाईवे पे साइड है ही नहीं, इसीलिए अभी पेड़ में पेड़ का यही उम्मीद लेके चल रहा हूँ कि पेड़ लगाओ जीवन बचाओ फ्रेंड्स। इसलिए मैं लोगों से बोलूँगा और गवर्नमेंट से भी बोलना चाहूँगा कि हाईवे पे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए, ताकि जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको आराम करने के लिए जगह मिले, क्योंकि हाईवे पे कहीं भी दूर दूर तक कुछ नहीं है फ्रेंड्स। अभी धूप इतनी कड़क है, देख रहे हो मेरे पीछे ये ट्रक के छांव में सहारा लेके बैठना पड़ रहा है मुझे। थोड़ा अरेस्ट करते हैं, फिर खाते पीते हैं, थोड़ा नाश्ता वगैरह जो भैया ने दिया था पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों शाम के 5 बज गए हैं, और कंटिन्यू चलते चलते अभी मैं पहुंच चुका हूँ पार्वती रिवर पे। नाम तो अच्छा है, पता नहीं इस क्या देखते हैं पहले। ये सामने आप देख सकते हैं, देखिए बोर्ड पे लिखा है पार्वती रिवर, और ऐसा कुछ नज़ारा है देख सकते हो अभी सामने पार्वती रिवर। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, और ये है पूरा नज़ारा। तो दोस्तों यहाँ से आने के बाद अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए सामने जो देख रहे हैं ना, ये पूरा पार्वती रिवर है। बट अभी गर्मी का मौसम है तो पानी पूरा सूख गया है, वरना पूरा भरा रहता है। देख सकते हो कुछ ऐसा नज़ारा है पार्वती रिवर का, और ये ब्रिज पे है, और उस साइड भी आप ऐसा कुछ नज़ारा देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं आगे। तो दोस्तों फाइनली आप देख सकते हो यहाँ से अभी गुना 40 किलोमीटर है, ग्वालियर 257, मधुसूदनगढ़ 38 किलोमीटर, तो हमें सीधा गुना की ओर होते हुए ग्वालियर चलेंगे। चलिए तो दोस्तों अभी हम ग्वालियर साइड जा ही रहे थे कि यात्रा के दौरान हमें कुछ भाई लोग मिले, आइए इनसे मिलते हैं। तो ये भाई लोग है, भाई लोग अपना एक एक करके नाम बताओ पहले। यस विनीत पार्थ। इसमें विनीत कौन है जरा, मेरे नाम वाला? ये देखो, अच्छा पूरा नाम क्या है? मतलब ये नाम सेम है और सरनेम अलग है। तो भाई लोग अभी आप कहाँ से हो, गांव का नाम बताओ? आप राघोगढ़। अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो? हाँ। और कुछ बोलना चाहोगे वीडियो में? नहीं, कुछ तो बोलो। सपोर्ट करो, बढ़िया, खूब जोर से लाइक फॉलो करो। लेकिन एक विनीत भाई शर्माते नहीं है, दूसरा विनीत बहुत शर्माता है। तो चलो एक बार जोर से महादेव का नारा लगाते, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो दोस्तों अभी रात के 7:30 बज गए, कंटिन्यू चलते चलते हम जा ही रहे हैं, अंधेरा हो गया है, मेरे पीछे देख सकते हो मेन हाईवे अभी पूरा अंधेरा हो गया है। बट अभी यहाँ से जो वो क्या नाम है गुना, 30 किलोमीटर की दूरी और बची है, तो आज हमारा टारगेट है कि हमें गुना पहुँचना ही है कैसे भी, और 2 दिन बाद फिर हमें ग्वालियर पहुँचना है। तो चलिए अभी तो रात का अंधेरा हो चुका है, देख सकते हो कुछ ऐसा नज़ारा है।
सामने अपनी साइकिल खड़ा की है, बाकी ये कुछ ऐसा हाईवे का नज़ारा है। और अभी हम बस स्टॉप पे रुके हुए, थोड़ा रेस्ट करते, पानी वगैरह पीते, फिर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों रात के 8 बज चुके हैं, अभी हम इस साइड से आए हैं और ये कुछ रात का नज़ारा देख सकते हो। ये देखिए सामने टोल प्लाजा आया, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ये टोल प्लाजा है। तो अभी यहाँ से आगे चलना है, चलिए। तो दोस्तों अभी कंटिन्यू चलते चलते रात के 11 बज चुके हैं और अभी हम गुना में आ गए। ये देख सकते हो गुना का अभी नाइट व्यू है, ये नाइट व्यू है। और अभी हम इस लॉज में रुके हुए, देख सकते हो ये लॉज है, के लॉज, अभी इसमें हम रुके हुए हैं। बाकी हम किसने व्यवस्था कराया हम आपको दिखाएंगे। बाकी अभी हमारी साइकिल यहाँ, हमने सामान वगैरह उतार के अंदर रख लिया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस भैया ने हमारा बंदोबस्त किया है। ये लॉज के अंदर का नज़ारा है। तो दोस्तों रात के 11 बज चुके हैं और अभी हम गुना में पहुँच चुके हैं और ये भैया है जिन्होंने हमारा रहने का व्यवस्था किया है। और इनके घर पे भी गए थे, खाना खाया, काफ़ी अच्छा लगा, इनके फैमिली से मिल के भी काफ़ी अच्छा लगा। भैया कुछ बोलो यार। भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो जा नहीं पाएंगे, कुछ लोग तो कार से नहीं कर पाते, बाहर जो चल देंगे भैया साइकिल से करना है, इतनी सुविधा होने के बाद भी नहीं कर पाते कुछ लोग, तो बाहर जो चल देगा भैया साइकिल से करना है। तो भैया के ऊपर माता की कृपा हमेशा बनी रहे, बस हमारे ऊपर नहीं सबके ऊपर कृपा बनी रहेगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी व्यवस्था की है। राम जी कराने वाले सब, जय माता दी। आप भी कुछ बोल दो, जय माता दी, जय माता दी। चलो फिर हर हर महादेव भी बोल दो, हर हर महादेव। तो दोस्तों अभी रात के 12 बज गए तकरीबन, हम गुना गांव में पहुंच गए। जैसा मैंने आपको दिखाया वीडियो में कि भैया मिले थे, उन्होंने लॉज में रहने का बंदोबस्त भी किया। अभी देखिए अभी छोटा सा लॉज है इधर, मस्त एकदम पंखा वगैरह सब, बिस्तर वगैरह सब लगाए, तो यहाँ रहने का बंदोबस्त भी किया, काफ़ी अच्छा लगा। उनके घर पे भी गए, उनके परिवार से मिले, उनके माता जी पिताजी बहुत ही अच्छे थे दिल के तक, और उन्होंने खाना भी काफ़ी अच्छे से खिलाया, हमारा स्वागत भी किया माता जी ने। तो माता जी को दिल से धन्यवाद, इनके सभी फैमिली को दिल से धन्यवाद, काफ़ी अच्छा लगा। पैदल यात्रा में फ्रेंड देवास में काफ़ी प्यार मिला था और यहाँ गुना में भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला। तो बस यही थी हमारी आज की जर्नी, अभी ये होटल में रुके हैं। चलिए मैं यहाँ का आपको व्यूज़ दिखा देता हूँ, ये कुछ देख सकते हो, ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये पूरा सर लॉज का क्यू व्यू है। हम 105 नंबर में रुके हुए हैं, एक एक छोटा सा कमरा लेकिन काफ़ी अच्छा है। एक देखिए बेड वगैरह लगा है, पंखा भी चल रहा है, हमने अपना सामान वगैरह सब यहीं पे रख दिया है। और थकान फ्रेंड्स थकान ना काफ़ी ज़्यादा हो गई है, 2-3 दिन से कंटिन्यू साइकिल चला रहे थे। तो चलिए अभी आगे रेस्ट करते हैं, थोड़ा आराम करेंगे, कल सुबह आराम से उठ के फिर अपनी नई जर्नी स्टार्ट करेंगे। यहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी और रह गई है ग्वालियर की। तो चलिए आज की इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलूंगा नेक्स्ट डे नेक्स्ट जर्नी में कुछ नए इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ, नए उमंग के साथ, नए उल्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। लेकिन एक विनीत भाई शर्माते नहीं है, दूसरा विनीत बहुत शर्माता है। तो चलो एक बार जोर से महादेव का नारा लगाते, हर हर महादेव, हर हर महादेव।